दोस्तों, कैसे हो आप सब? और आज की कहानी शुरू है यहाँ से, यहाँ के लिए। I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well, rather be dead than. तो अभी हम आ चुके हैं श्री गढ़ गणेश जी महाराज के जयपुर में स्थित। और आप देखेंगे इधर मेरे पीछे से, यहाँ ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर पूरा ऊपर की साइड का है। तो चलते हैं, टूर शुरू करते हैं, देखते हैं आगे का क्या होगा। मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ, चलो फ्रेम में आते हैं। थोड़ा सा यहाँ आना मुश्किल है, हम मास्क लगा लिए हैं। तो चले, तो गणेश जी की बोलते हैं जय जय श्री गणेश महाराज की जय। चलो 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 चलो। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, पूरी सीढ़ियाँ हैं और आप देखेंगे यहाँ पे पहाड़ी पहाड़। वीडियो का आनंद लीजिए। ये हमारे साथ हमारे दोस्त मिले हैं। ब्लॉग बाय देव। तो इस तरीके से हमारे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएंगे, उम्मीद तो है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम थक गए, हम बहुत तेज थक गए। मैं यहाँ से आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ जो बहुत सुंदर है। देखिए, पहाड़ों की कोख में सोया हुआ एक छोटा सा कस्बा, ना जाने ये कब से, कितने सालों से यहाँ है, ना जाने ये किस तरीके से अपना आगे का सफर तय करते हैं। पर हाँ, ये पहाड़ी में जीवन देता है, ये पहाड़ी ने आगे बढ़ने की राह है। ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं और ये आराम से सीढ़ियाँ हैं। हम आराम वाला रास्ता ले लेते हैं। हम आसरी हम पे यार, क्या करें, खड़ी सीढ़ियों जितना स्टेमिना बिल्कुल नहीं है भाई। चलो Let's go। और ये जंगल का रास्ता, यहाँ मेन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग होती है अंधेरे में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हमारा पहला प्लान था कि हम रणथंभौर के गणेश जी जाएं, पर पीछे एक मैम ने कहा कि ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ से तुम्हें दिखाता हूँ पीछे का व्यू। और वो सीढ़िया देख रहे हो, यहाँ से होती हुई यहाँ जा रही है। ये शायद मेरे हिसाब से नारगढ़ की सीढ़ियाँ हैं। बापरे, खड़ी सीढ़ियाँ होने के कारण और मेरे बोलने के कारण मैं बहुत ज़्यादा हाँफ गया हूँ। यहाँ पर ये जो हैं, ये छतरियाँ हैं, इनमें हम आके फिर जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही ख़ास छतरियाँ हैं। वो वहाँ प्लेन उड़ रहा है, छोटा सा प्लेन, वो नीचे से आए थे, ये ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। हम
मजाक कर रहा हूँ, इतना भी नहीं है। मेरा स्टेमिना थोड़ा घट गया है क्योंकि मैं मास्क में अच्छा लगता हूँ क्या, मुझे कमेंट करके बताओ मैं मास्क में अच्छा लगता हूँ क्या। और यहाँ हमारे साथ एक अंकल एडवाइस देते हुए, इन अंकल ने ऐसे कहा है कि ऊपर की तरफ ना देखो क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ऊपर है, नीचे देख के चलो। नीचे देखने से आपको यह मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमने इतना सफ़र तो तय कर लिया, थोड़ा और कर ले। और ये अंकल जी जाते हुए, अब तुम देख पाओगे कि यहाँ पर चढ़ पाना थोड़ा नहीं थोड़ा और थोड़ा, थोड़े में थोड़ा मिला दो और थोड़ा मिला दो, इतना आसान है। अरे मालिक, ये पहाड़ी देखो, ये पहाड़ी, ये ऊंची पहाड़ी, फिर ये यहाँ पे किला, उसके बाद ये किले की राइयों में पूरा बैठ जाइए। हमें तो ऊपर जाना है, अभी बैठिए आराम से। आदमी वो न्यूली मैरिड कपल थे जो अपने गणेश जी को इस्तकबाल करने आए थे, हेलो हाय करने आए थे, नमस्ते करने आए थे, और हमारे कारण डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए हमने उनका साथ दिया थोड़ा सा। और वो साथ इसलिए दिया ताकि वो बैठ सकें और अच्छा सा फील कर सकें। बच्चों वाला ट्रैक है पर हम बच्चे नहीं रहे ना, इसलिए ये मुश्किल हो गया है। ये केले की दीवारी है, हमें लगता है हम आ गए हैं। यहाँ पर छोटी सी गुड़िया पानी की सर्विस करते हुए ताकि यहाँ हमारे जंगल बचे रहें। आपसे भी थोड़ा सा निवेदन है, अगर आप भी अपने आसपास पेड़ पौधे उगाते हैं तो हरे हुए पेड़ पौधों को पानी दें ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। यहाँ पे देखेंगे हम, ये किले की दीवार सा है और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, शायद ये इसके ऊपर जाने का है, हम बाद में देखेंगे। ये द्वार गेट है, और अब हम किले के अंदर हैं, मतलब किले के परकोटे के अंदर। ये देखिए अब आप इसे अच्छी तरह देख पाएंगे, ये देखिए ये एक तरीके से दरवाजा टाइप है। चल कर ब्लॉग के लिए, यूट्यूब के लिए। और यहाँ हमारे कुछ भाई और मिलते हुए, क्या नाम है भैया? विकास कुमार सैनी फ्रॉम तारानगर चूरू। सूर्यकांत फ्रॉम तारानगर चूरू। चूरू चूरू से भाई, तो एक्चुअली यहीं मिलने के लिए, मतलब यहीं पे आए डायरेक्ट? हाँ ना, ना, सर ना। अपन नशा मुक्ति और स्वास्थ्य जागरूकता में काम करते हैं। बहुत सही है, बहुत सही। नशा मुक्ति जो आज स्वास्थ्य जागरूकता, आजकल युवाओं में नशे का बहुत बढ़ गया है, पहले तो बुजुर्ग ही करते थे, आजकल बच्चे 10-10 साल के सिगरेट पीना शुरू कर देता है। ये बहुत सही है सर, गुटखा सिगरेट, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, सब बच्चों के हाथ में है, खुलेआम जहर बिक रहा है, खुलेआम जहर बिक रहा है, और लोग क्या खाते हैं, क्या कह रहे हैं। और तेरी क्या बात है भैया की ललकार से आपको पता चल गया होगा
कि आगे कांड होने वाला है, मैं दिखाता हूँ क्या कांड है। ये भगवान के दर की सीधी कड़ाई खड़ी चढ़ाई। यहाँ पर हमारे कुछ भाई और ये सारे भाई हमारे नशा मुक्ति केंद्र के एक उसमें हैं, स्वास्थ्य जागरूकता में ये सारे भाई, ये सारे भाई ये अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बाकी भगवान के दर पे आने पे पता चल गया कि सिगरेट पीने वाला तो नीचे बैठ जाएगा। ओहो, जय हो सर जी, जय हो गणेश जी महाराज की। और ये नीचे की साइड कुछ है, हम इसे बाद में देख, अभी आपको मंदिर के दर्शन कराते। वो देखिए वहाँ मंदिर है, और ये भाई हमारे साथ करते। जय विंद्र इंडिया, जय विंद्र इंडिया। ये भैया लाइव आते हुए यहाँ से, तो इसी चीज़ का है। अभी हम इनसे बात करेंगे, अगर ये इसके बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत तो हमें कहानी बताएंगे। वैसे मुझे लगता है जब गढ़ों का निर्माण किया गया होगा तो ये मंदिर को भी उस उन्हीं गढ़ के द्वारा बनाया गया होगा, राजाओं द्वारा बनाया गया होगा, ताकि शुभारंभ करने से पहले वो गढ़ पे या फिर हमारे गणेश जी के आ सकें और आसक्ति दिखा सकें। ओके, यहाँ पर यहाँ मंदिर की संरचना देखिए। नीचे शायद मेरे हिसाब से आप अगर खाने पीने की व्यवस्था करना चाहें तो उसके लिए है, और ऊपर प्रॉपर अच्छी तरीके से आपके काम का साधन हो सकता है। बारह बजे पट बंद होने का चांसेस है। ओके, जैसे मैम ने कहा ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा ही होगा। ओके, हम पहुंच चुके हैं ऊपर। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत करके कुछ हो ना हो तुम्हें व्यू ज़रूर दिखेगा, तो इसके लिए गिनती करो 3, 2, 1।